हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो सब बढ़िया चलो बहुत बढ़िया मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं बच्चों और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी होती है करंट कैरिंग कॉइल रखी होती है तो उस पर टॉर्क एक्ट करता है कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में

इस पे लगता है टॉर्क और उस टॉर्क की वजह से ये घूमता है कैसे देखो मान लेते हैं यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर हमारे पास दो आ, पोल पीसिस हैं मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ इन पोल पीसिस की वजह से यहां पर बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी भाई आइसोलेटेड पोल्स तो एग्जिस्ट नहीं करते ये सिर्फ नॉर्थ नहीं है ये एक बहुत बड़े से मैग्नेट का पार्ट होगा जिसका नॉर्थ इस तरफ है साउथ इस तरफ होगा ये भी एक और मैग्नेट का पार्ट है जिसका साउथ इस तरफ हमने रख दिया तो नॉर्थ इधर होगा ये एक तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का पैरल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं नॉर्थ से साउथ इसके बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन टेंथ में आप लोग पढ़ चुके हैं ना मैग्नेटिक फील्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ से साउथ और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी आपकी ऐसे तो यहाँ पर एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाती है इस तरीके से अब तक हम लोग ऐसे ही लाइन्स बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर बस मैंने एक एक्स्ट्रा चीज दिखा दी है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाई कैसे जाती है हुँ? इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉयल रख दी ऐसे रेक्टेंगुलर कॉयल रख दिया लेंथ उसका एल मान लो ब्रेथ बी मान ये रेक्टेंगुलर कॉयल रख दी इस रेक्टेंगुलर कॉयल के बारे में हमको क्या क्या पता है हमें पता है कि इसकी ब्रेथ है बी और इसकी लेंथ है एल और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई ऐसे आई करंट आई ठीक है ये तो क्या होगा इस पे लगेगा टॉर्क ये घूमेगा कैसे मैं पूरी तरीके से आपको समझाता हूं मान लो ये कॉइल है पी क्यू आर S अब एक जब स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर फील्ड में रखी होती है बच्चों तो उस पर फोर्स लगती है ना आई एल बी साइन थीटा तो अगर इस पूरे कॉइल की अलग अलग वायर को चार स्ट्रेट वायर्स हैं इसके अंदर इसकी अलग अलग वायर्स को पी क्यू को अलग क्यू आर को अलग आर एस को अलग और एसपी को अलग अलग अगर हम लोग ट्रीट करें इसको अलग अलग अगर हम ऑब्जर्व करें और सब पे देखें कि ये फॉर्मूला लगेगा और फोर्स किस तरफ लगेगी इस फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं ना फ्लेमिंग लेफ्ट एंड रूल से तो डायरेक्शन भी देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते पी क्यू से एफ एक्टिंग ऑन पी क्यू एफ एक्टिंग ऑन पी क्यू क्यू की लेंथ देखो इसमें करंट है आई शुरू से करते हैं इसमें करंट है आई लेंथ मतलब इस वायर की लेंथ इस वायर की लेंथ है बी ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है वो मान लो कैपिटल बी है इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लो कैपिटल बी है और साइन थीटा यहां पर जो थीटा होता है बच्चों याद करो वो एंगल होता है बी और एल में है ना बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो ये ये एल है और ये बी है दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया वन एट्टी डिग्री साइन वन होता है जीरो यानी कि इस वाली वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगी जिसकी बात तब वहां पर भी आपको बता दी गई थी कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरल या परपेंडिकुलर रखा ओ सॉरी पैरल या एंटी पैरल रखा हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं एक्ट करती अब आ जाओ क्यू आर पे क्यू आर पे क्या फोर्स लगेगी क्यू आर पे फोर्स लगेगी आई इसकी लेंथ है एल मैग्नेटिक फील्ड है बी साइन अच्छा एल और बी में एंगल है 90 डिग्री साइन 90 होता है वन सो ये हो जाएगा आई एल बी अब बात करते हैं आर एस की एफ ऑन आर एस पूरा नहीं लिखूंगा क्लियर है इसमें करंट है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही एंगल हो गया जीरो डिग्री तो फोर्स हो गई जीरो बात करते हैं एस पी की आई एल बी साइन नाइनटी तो क्या आएगा आई एल बी अब आप देखो जरा फोर्स जो है पी क्यू पे जीरो है और आर एस पे जीरो है इन दोनों को तो छोड़ दो क्यू आर और एस पी पे फोर्स है और दोनों पे बराबर है आई एल बी आई एल बी है ना इन दोनों पे फोर्स जो है वो बराबर है अब देखें जरा वो फोर्स होगी किस डायरेक्शन में वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी बच्चों वो फोर्स होगी क्यू आर के लिए अगर मैं देखूं फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के तो देखो करंट इसमें ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड है इधर है ना ये फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है करंट ऊपर की तरफ है तो थंब किधर आया थंब आया अंदर की तरफ यानी कि इस वाले पे जो फोर्स होगी इस वाली वायर पे जो फोर्स होगी वो अंदर की तरफ होगी ऐसे अंदर की तरफ ठीक और इस वाली पे फोर्स किधर होगी देखो फील्ड तो इसके लिए भी इधर है करंट नीचे है तो ये फिंगर नीचे आई थम रहा बाहर की तरफ है ना थम बाहर की तरफ तो इस पे जो फोर्स होगी इस पर फोर्स होगी बाहर की तरफ इस पर फोर्स होगी बाहर की तरफ अब आप सोचो इन दोनों पे बराबर फोर्स इन पे तो है ही नहीं है ना इस पे और इस पे बराबर फोर्स लग रही है इस पे उतनी ही फोर्स अंदर की तरफ लग रही है पे उतनी ही फोर्स बाहर की तरफ लग रही है तो बताओ जरा इसका मोशन कैसा होगा जैसे ये है है ना इसको इस पे लग रही है अंदर की तरफ और इस वाले पे लग रही है बाहर की तरफ है ना इकट्ठे ऐसे है ना ये ये जाएगा ऐसे अंदर की तरफ और ये जाएगा बाहर की तरफ ऐसे तो ये घूम रहा है ना तो इस पर टॉर्क लग रहा है ये घूमेगा बस यही कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क एक्ट करता है और वो जो टॉर्क है अब फाइनली हम आते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा ठीक कि जो टॉर्क है वो एक्ट करेगा बट फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए जैसे हमको फोर्स का फॉर्मूला फॉर्मूला पता होना चाहिए अच्छा उसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बच्चों आपको मैं थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहता हूं आपसे ये है इसका टॉप व्यू अगर मैं देखो मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करना अगर मैं टॉर्क निकाल देता हूं इसी कन्फिग्रेशन से भाई टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। पहले मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक बॉडी पे लग रही होती हैं दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जैसे मुझे इसको घुमाना है एक फोर्स इधर से ऊपर लगा दूं एक नीचे लगा दूं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर बॉडी पे लग रही होती है तो वो घूमने लगती है तो मतलब वो एंड अपोजिट फोर्सेस को बोलते हैं कपल तो कपल फोर्स जो है आपके पास दोनों बराबर हैं उनमें से आप एक फोर्स लो आई एल बी और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अब ये फोर्स ऐसे लग रही है और ये फोर्स ऐसे लग रही है तो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है बी तो मैं आई एल बी रखू यहां पर और बी रखूँ यहाँ पे तो ये टॉर्क आ जाएगा बट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी इस तरीके से निकालने में उसका कारण ये है कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी नहीं रहता आप सोचो कि जब ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा अब इसी का टॉप व्यू आप देखो अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ इधर से तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी ही दिखाई देगी है ना पर ये ये ऐसे घूम गया ऐसे तो ये जो कॉइल है ऊपर से देखने पे मुझे केवल इसकी आर एस साइड दिखाई देगी आर एस है ना सिर्फ उसकी क्या दिखाई देगी आरएस साइड दिखाई देगी यहां से देख रहे हैं ना हम लोग यहां से अच्छा एक फोर्स इस पर लग रही थी ये वाली अंदर की तरफ और ये वाली बाहर की तरफ तो आप सोचो जब आप ऊपर से देख रहे हो इसको तो आपको ये जो फोर्स अंदर की तरफ लग रही थी इधर वो ऐसे दिखाई देगी ऐसे ये वाली ये वाली फोर्स अंदर की तरफ जो लग रही थी इधर से देखने पे ऐसे दिखाई देगी ये कौन सी फोर्स है है ना? और ये ये बाहर की तरफ थी इधर से देखने पे ऐसी दिखाई देगी एफ ये वाली थी एस पी समझ में आई आपको बात तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा इसको इमेजिनेशन की यहां पे सख्त जरूरत है ये और ये है बी टिक फील्ड बी तो अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गया ना अभी भी अगर मैं टॉर्क का फॉर्मुला लगाता हूं तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा अब तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया जबकि पहले ये था तो यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी नहीं रहता इनके बीच में हमेशा चेंज होता रहता है अगर अगर ये पूरा कॉइल घूम के ऐसे हो गया तो ये वाली फोर्स ऐसे ही ऐसे तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो जनरल फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वो हम लोग निकालें यहां से देखो अगर मैं यहां पे इसका मिड पॉइंट लू ओ और मैं के अबाउट टॉर्क निकालू टॉर्क अबाउट ओ किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं ना अगर मैं के अबाउट टॉर्क निकालू तो के अबाउट टॉर्क टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट कैसे निकालते हैं कि जो भी फोर्स लग रही है उस फोर्स का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? दो फोर्सेस लग रही हैं, एक एक ये और एक ये। और तो आप सोचो ये दोनों फोर्सेस इसको सेम सेंस में रोटेट करना चाह रही है कि अपोजिट सेंस में थोड़ा सा इलेवंथ का भी सिखा दू ना मैं ये, ये दोनों फोर्सेज इसको ऐसे घुमाना चाह रही है ना ये कैसे हो गया क्लॉकवाइज ये दोनों फोर्सेज इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है तो इन दोनों का टॉर्क ऐड होगा और टॉर्क क्या होता है आप कौन से पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो ओ पॉइंट के अबाउट तो ओ पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं वेक्टर में नहीं घुस रहा अभी ओ पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फोर्स है ना ओ पॉइंट से इसका क्योंकि मैं ओ के अबाउट निकाल रहा हूं ये दिस फोर्स इंटू दिस प्लस दिस फोर्स इंटू दिस किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क का यह मतलब होता है और प्लस क्यों किया क्योंकि दोनों इसको सेम सेंस में रोटेट कर रही है तो बताओ ये क्या होगा ये होगा बी बाय टू है ना नहीं सॉरी क्या बोल गया सॉरी ये है ना बी तो ये तो ये होगा बी बाई टू ये होगा बी बाई टू जबकि हमें ये चाहिए मान लो कुछ भी मान लो थीटा एंगल बना रहा है यहां से तो ये एंगल भी थीटा हुआ अगर ये बी बाई टू है तो ये बेस हुआ अगर ये बी बाई टू है तो ये बेस हुआ तो ये क्या हुआ ये हुआ हमारा b बाई टू थीटा और ये भी थीटा है और ये भी b बाई टू है तो ये भी क्या हुआ b बाई टू थीटा तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि टॉर्क दिस फोर्स एफ क्यू आर इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से b बाई टू कॉस्ट थीटा प्लस दिस फोर्स एफ एस पी इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी बाई टू थीटा क्योंकि ये दोनों फोर्सेस भी बराबर हैं और दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है सीधा इसको कर दो और फोर्स की वैल्यू पुट कर दो टू आई एल बी बी बाई टू कॉस थीटा टू से टू कट गया अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं आई एल इंटू बी बी कॉस थीटा एल इंटू बी क्या होता है लेंथ इनटू क्या हुआ इस का एरिया तो आई ए बी कॉस थीटा ये है टॉर्क ठीक समझ में आई बात ओके सो so, इस इस तरीके से इसको डिराइव करना है डेरिवेशन जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसको आपने याद रखना है एक चीज यहां पर मैं और समझाना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों टॉर्क इज अ वेक्टर हाँ तो इधर कौन कौन से वैक्टर है क्या करंट वैक्टर है, नहीं, एरिया वेक्टर है, है ना? और बी वैक्टर है तो फिर यहां पर तो तो मैग्नीट्यूड में साइन थीटा होता है यहां थीटा क्यों क्योंकि जब आप लिखते हो जरा मेरी बात समझना ध्यान से जब आप लिखते हो ए क्रॉस बी जब आप लिखते हो ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा तो थीटा यहां पे ए और बी के बीच का एंगल होता है लेकिन यहां पे जो थीटा है वो एरिया और बी के मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है क्यों ये तो मैग्नेटिक फील्ड है बट ये एरिया नहीं है ना बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया एरिया वैक्टर वहां पर मैंने पढ़ाया था कि एरिया वैक्टर जैसे कॉइल है ये कॉइल है तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा बाहर की तरफ वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है यहां अंदर की तरफ तो इसके एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये है सो बेसिकली एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो ये होगा एंड लेट दिस एंगल बी अल्फा ठीक तो थीटा की जगह अगर नाइनटी माइनस एल्फा लिखे एक ही बात है ना ये पूरा नाइनटी है ये पूरा क्या नाइनटी नाइनटी माइनस अल्फा थीटा ही होगा तो मैं थीटा की जगह अगर यहां पर नाइनटी माइनस एल्फा कर दू तो कॉस 90 माइनस एल्फा क्या होता है साइन अल्फा अब सारा मामला ठीक हो गया सो so, आपको थीटा एल्फा के चक्कर छोड़ो आप सिंपल सोचो कि टॉर्क का फॉर्मूला है आई ए बी साइन साइन की टर्म्स में लेकिन जब साइन की टर्म्स में आप यह फॉर्मूला लगाते हो तो आपको एंगल लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर आप फॉर्मूला अगर आप एंगल लेते हो जो क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, तो आपको कॉस्ट लगाना है क्लियर और ये तो हो गई वन टर्न की बात मान लो हमारे पास कॉपर वायर थी उसको हमने ऐसे घुमा के एक रेक्टेंगुलर कॉयल बनाया और कॉपर वायर बच गई तो फिर से घुमा दिया फिर से घुमा दिया फिर से घुमा दिया तो एन टर्न्स बना दी तो एन टर्न्स के लिए टॉर्क होता है एन बी ए आई साइन एल्फा ठीक समझ में आई बात ओके अच्छा आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अभी यहां पे नहीं पढ़ा है आगे हम लोग पढ़ेंगे एक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में ठीक है अभी ज्यादा मत सोचो उसके बारे में सर्कुलर लूप या किसी भी रेक्टेंगुलर लूप सर्कुलर लूप में बोल रहा हूं मैं किसी भी लूप की मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती थी वैसे ही आगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा अगले चैप्टर में ठीक है अगर एक लूप है करंट कैरिंग लूप है तो उसकी एक मैग्नेटिक मूवमेंट होती है अभी के लिए याद रखो मैग्नेटिक मूवमेंट हर मैग्नेटिक डाइपोल की होगी जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की होती है मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या है जिसमें दो पोल्स हो हर चीज़ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है वो मैग्नेटिक डाइपोल है क्योंकि अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते और हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो अगर ये एक कॉयल है और इसमें करंट है तो ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा तो इसके दो पोल्स होंगे तो इसकी डायपोल मोमेंट भी होगी ऐसा करके हम लोग आगे कुछ पढ़ने वाले हैं सो दिस प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट एन ए आई एक आपके पास एन एन टर्न्स का लूप है जिसमें करंट है आई और जिसका एरिया है ए तो उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है एन आई ए जिसको कैपिटल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो इस इन तीनों की जगह मैं एम लिख दूं तो ये हमारा आ जाता है टॉर्क जिसको हम साइन हटा के ये वेक्टर, 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 एम भी लिख सकते हैं है ना याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क कितना आया था ई साइन थीटा तो टॉर्क की जगह टॉर्क है ई की जगह बी है जो होना चाहिए था वहां इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड तो ये है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ठीक पर आपको अगर इस पंगे में अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक आएगा बाद में तो आप छोड़ भी सकते हो अभी के लिए आपका डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ समझ में आएगी बात और टॉर्क है ऐसा यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है तो न्यूटन मीटर होगी ठीक तो ये इस सिंपल से फॉर्मूले पर इस पर क्वेश्चन होंगे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाला है आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होगी आपका आंसर आ जाएगा एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ देखो देखो जैसे बोला है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है टेन टेस्ला और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉयल रखी है ऐसे मान लो कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बना रहा है थर्टी डिग्री कॉयल का जो प्लेन नहीं है सॉरी कॉइल का जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बना रहा है थर्टी डिग्री कॉयल की जो लेंथ है वो पांच सेंटीमीटर है कॉयल की जो ब्रेथ है वो चार सेंटीमीटर है ठीक है और कॉयल में जो करंट है वो वन एमपियर है मान लो ये सब हमको गिवन है क्वेश्चन है फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉयल इन दिस प्लेसमेंट ठीक तो क्या टॉर्क एक्ट करेगा उस पर जरा लगाओ फॉर्मूला एन नंबर ऑफ टर्न्स मान लो दिया है, एक सिंगल कॉयल है ना तो अगर ना भी दिया हो तो हमने एक ही मानना है एन हो गया वन बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है टेन टेस्ला एन बी ए एरिया कितना है इसका लेंथ इनटू ब्रेथ फाइव इंटू फोर दोनों को सेंटीमीटर टेन रेस पर माइनस टू टेन रेस पर माइनस टू टेन रेस पर माइनस फोर हो गया एन बी ए आई साइन हां तो ये वाला एंगल कौन सा है ये अल्फा है के थीटा है जो कि एरिया से बन रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर से बना रही है वो क्या है वो अल्फा है तो ये हमको अल्फा ही गिवन है थर्टी डिग्री इसको मल्टीप्लाई करो टेन इंटू ट्वेंटी इंटू टेन की पावर माइनस फोर वन को तो छोड़ दो वन अपॉइंट टू ये कटेगा टेन इंटू टेन हंड्रेड दो जीरो यहाँ से कम कर दो बढ़ा दो मतलब जो भी आपको लगे हैं ये ठीक इस तरीके से समझ में आई बात कोई बड़ी चीज़ नहीं एक चीज़ और समझ लें हम लोग यहाँ पे टॉर्क मैक्स मैक्सिमम टॉर्क कब होगा ऑब्वियसली जब ये ये मैक्सिमम वैल्यू देगा ये वन कब देगा जब अल्फा नाइन्टी डिग्री होगा और वो मैक्सिमम टॉर्क होगा एन बी ए आई एल्फा नाइनटी डिग्री का मतलब क्या है ये वाली जो हमने सिचुएशन बना रखी है अल्फा 90 डिग्री है क्यों क्योंकि जब ये कॉइल ऐसे रखा है सच दैट इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो इसमें ऐसे बाहर की तरफ एरिया वेक्टर बनेगा तो बताओ एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितना आ गया 90 डिग्री है तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम टॉर्क लगता है और टॉर्क जीरो कब होगा अगर अल्फा है जीरो डिग्री या वन एट्टी डिग्री तो साइन हो जाएगा जीरो तो टॉर्क होगा जीरो ये सिचुएशन कब आएगी जब ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना ये जैसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल आ गई ऐसे अब अगर आप ऐसे इसमें एरिया बनाओ सॉरी एरिया वेक्टर बनाओ इधर चाहे इधर तो एंगल जीरो डिग्री या वन एट्टी डिग्री आएगा तो इस सिचुएशन में टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो समझ में आई बात तो ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों इसको प्रिपेयर कर लेना इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट का लिंक नीचे दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कर लेना मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए ऑल द बेस्ट